कई दिनों से अपने टूर प्रोग्राम के तहत देश के विभिन्न स्थानों का दौरा कर रहा हूं। आज मैं आपके राज्य में हूं। मुझे अच्छा लग रहा है कि इतनी बड़ी संख्या में आप लोग यहाँ पर आए हैं। हम लोगों के दर्द को सुनने के लिए हम लोगों के लोग तो एक भयानक और दयनीय स्थिति में आज इस राज्य में अपना जीवन यापन कर रहे हैं। उनके बारे में हम आप लोगों के बीच बातें रखूंगा। हम लोगों से मेरा तात्पर्य है दलित समाज से, शेड्यूल कास्ट, और शेड्यूल कास्ट की स्थिति और उनके ऊपर होने वाले अत्याचार और उनकी इस तरह से सशक्तिकरण के संदर्भ में उपेक्षा हो रही है। हम सिर्फ इसी विषय पर आप लोगों के बात करेंगे। मेरा पूरा कंसंट्रेशन इन्हीं विषयों पर होगा क्योंकि ये बहुत गंभीर मुद्दा है। इतना गंभीर कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि हमारा देश इतना आगे बढ़ रहा है। विश्व मंच पर आज भारत की एक नई भूमिका उभर कर के आई है। आर्थिक विकास के मामले में आज हमारा देश फ्रांस को भी पीछे छोड़ करके आगे निकल चुका है। ऐसे में हमारे देश में एक ऐसा सामाजिक वर्ग है जो बहुत भयानक दयनीय हालात में जीवन जी रहा है। उसके ऊपर अत्याचार और उत्पीड़न की घटनाएं दिल को दहला दे रही। कैसी यहां सरकार चल रही जो अपने ही लोगों को रक्षा नहीं बल्कि उनके ऊपर उत्पीड़न की कार्रवाई कर अत्याय हो रही है, तो उनका इन्वेस्टिगेशन भी प्रॉपर नहीं हो रहा है। नामजद रिपोर्ट लिखे जा रहे हैं कि इन ये अपराधी हैं, तो कम से कम जांच कार्रवाई के लिए उनको गिरफ्तार किया जा सकता है, पर ऐसी भी कार्रवाई नहीं। दलितों के ऊपर अत्याचार की सभी सीमाएं यहां लांघ चुकी है सरकार। लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल समाप्त दिखाई दे रहा है। पिछले दिनों पंचायत का चुनाव हुआ था, आप सब लोगों ने इस प्रदेश में हुए पंचायत इलेक्शन की एक एक घटना को मीडिया के माध्यम से देश के सामने रखने का काम किया, मैं उसके लिए धन्यवाद देता हूं। आप लोगों ने बड़ी बहादुरी के साथ यहां की इस सरकार की सच्चाई को भी देश के सामने रखा। आप लोगों ने देखा होगा कि पंचायत इलेक्शन में सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ी सफलता प्राप्त हुई, और उस बड़ी सफलता में जो पंचायत की तमाम सीटें जीती गई, ज्यादा से ज्यादा सीटें, वो शेड्यूल कास्ट की सीटें भाजपा को मिली।
और भारतीय जनता पार्टी के इस समर्थन से जो अनुसूचित जाति के लोगों का ये जो भारी समर्थन मिला था उसे टीएमसी सरकार घबरा गई, डर गई, उनको अपनी जमीन खिसकती भी नजर आई। और उसका परिणाम सामने आया कि टीएमसी सरकार के सह पर पूरे प्रदेश भर में दलित उत्पीड़न की कार्रवाई प्रारंभ हो गई, लोगों की हत्याएं की जाने लगी, मारना पीटना उत्पीड़न करना घरों को जला देना ये तो एक सामान्य बातें थी, पर हत्याएं होने लगी। आप लोगों ने बोल लिया थे जो तिरोजन महतो और दुलार कुमार का ये हत्या को देखा, उनको क्रूरता के साथ उनकी हत्या की जाती है, उनके मृत शरीर को हैंग कर दिया जाता है और बकायदे उस पर पोस्टर लगा दिया जाता है कि बीजेपी को सपोर्ट मत करो। क्या सरकार के ऊपर जो ये धब्बा लगा, जो दाग लगी, जो यह सरकार के ऊपर गंभीर आरोप लगा, क्या सरकार ने इस संदर्भ में उचित कार्रवाई किया? अभी तक सिर्फ एक गिरफ्तारी हुई है, बाकी अन्य जगहों पर तो कुछ भी कार्रवाई नहीं की। नदिया जिला में हमारे 3 कार्यकर्ताओं की हत्या हुई, सचिन दास, विप्लव दास, जयदेव क्रांति, वो अब हम लोगों के बीच में नहीं है। उनकी इतनी ही गलती है कि वो भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं और वो टीएमसी पार्टी को रिजेक्ट कर रहे हैं, यही उनकी गलती है। मुर्शिदाबाद में धर्म हाजरा, उसकी आत्मा को शांति दे ईश्वर। वीरभूम में समीर बागती, लेकिन सच्चाई तो ये है कि अनेकों इस तरह की हत्याएं हुई दलितों के ऊपर टीएमसी कार्यकर्ताओं द्वारा और सरकारी तंत्र के माध्यम से अत्याचार हुए, पर गोलिया के अलावा कहीं एक भी गिरफ्तारी नहीं। मुर्शिदाबाद में जो जघन हत्या हुई, 12 लोगों को नामजद रिपोर्ट किया गया, नाम से वहां पर एफआईआर लॉन्च हुआ है, अभी तक एक भी व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं किया। क्या सरकार चल रही, ऐसे लोकतंत्र चलता है? लोकतंत्र को जंगल राज में बदल दिया गया है। हजारों की संख्या में घर जला दिए गए दलितों के और सरकार संवेदनहीन बनी रही। सरकार की संवेदनहीनता का एक बड़ा उदाहरण मैं देना चाहता, सरकार के एक जिम्मेदार मंत्री के बारे में मैं आप लोगों के बीच में आ गया। आप लोगों ने हालांकि उनके बारे में बहुत कुछ देश प्रदेश को दिखलाया, शिक्षा मंत्री, उनकी संवेदनहीनता इस स्तर पर है कि वो कहते हैं कि शेड्यूल कास्ट के बच्चे विद्यालयों में जो पढ़ रहे हैं, जा रहे हैं, नाम लिखवा रहे हैं, वो स्टाइपेंड के लिए लिखवा रहे हैं। शर्म आनी चाहिए ऐसे नेताओं को जो लोकतंत्र का इतना उपहास करें, मजाक उड़ाते हैं। बंगाल में पूर्ण रूपेण जंगल राज है, यहां केवल भारतीय जनता पार्टी के नहीं बल्कि अन्य पार्टियों के भी कार्यकर्ता सुरक्षित नहीं। जो भी इनका दुश्मन होता है उसको ये या तो रास्ते से हटा देते हैं
अथवा उनके ऊपर दबाव डाल के परेशान करके गलत मुकदमों में फंसा करके उनको अपनी पार्टी में शामिल कर लेते हैं। हकीकत तो ये है कि बंगाल में लोकतंत्र नहीं बल्कि दल तंत्र चल रहा है। लोकतंत्र यहां नहीं चल रहा, एक दल का तंत्र चल रहा है, टीएमसी पार्टी का तंत्र चल रहा है। आपने देखा होगा डॉक्टर मानस भुइया जो कांग्रेस के सीनियर लीडर थे, उन्हें डरा धमका करके हत्या के मामले में फंसा कर और टीएमसी पार्टी ज्वाइन करा दिया, सरेंडर करा दिया। क्या ऐसे सरकार चलती है? मुझे लगता है कि इससे लोकतंत्र कलंकित हो रहा है। जबकि हमारी केंद्र की सरकार आज दलितों के, शोषितों के, सामाजिक तौर से और आर्थिक तौर से कमजोर लोगों के हित के लिए सैकड़ों योजनाएं बनाई, उन योजनाओं का सीधे अनुसूचित जाति को लाभ मिल रहा है। आप कल्पना कीजिए कि आजादी के आज 70 साल बीत गए, बहुत सारे ऐसे दलित परिवार थे जिनके घर में शौचालय तक नहीं। शौचालय एक बहुत मामूली बातें कुछ लोगों के लिए लग सकती हैं, पर हम लोगों के लिए, हम लोग भी दलित समाज से ही हैं, शौचालय का महत्व समझते हैं। शौचालय में गरीब माँ बेटियों की इज्जत सुरक्षित होती है। दलित समाज की जब बहु बेटियां सड़कों पर शौच के लिए जाती हैं, तो कैसी कैसी नजरों का उनको सामना करना पड़ता है, शायद एक संवेदनशील व्यक्ति ही इसको समझ सकता है। ये बहुत मामूली काम नहीं था, लेकिन 8 करोड़ घरों में शौचालय बना करके दलितों की बहु बेटियों को सुरक्षित करने का काम भारतीय जनता पार्टी के सरकार द्वारा किया। 1971 में बैंकों का नेशनलाइजेशन हुआ और इस नाम पर नेशनलाइजेशन किया गया बैंकों का, राष्ट्रीयकरण, कि इससे गरीबों को, दलितों को, शोषितों को, आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को लाभ मिलेगा। पर पिछले 4 वर्षों में 35 करोड़ लोगों के खाते खुले। पहली बार उन लोगों ने बैंक के दरवाजे पर अपने कदम को रखा। क्या इसी नीति के तहत नेशनलाइजेशन हुआ? वर्ल्ड बैंक का रिपोर्ट है कि पिछले 5 वर्षों में दुनिया भर में जितने खाते खुले हैं उसमें 55% केवल भारत में खुले हैं। यानी ये हालात हमारे यहाँ गरीबों का था, दलितों का। बैंक एक सम्मानजनक स्थान होता है, वहां जाने पर सम्मानित और अपने आप को गौरवान्वित महसूस किया जाता है। पर 35 करोड़ लोग पहली बार बैंकों के दरवाजे पर खड़े हुए हैं। मैं इस संदर्भ में 2 बातों पर और भी आप लोगों का ध्यान दिलाना चाहूंगा। एक से बढ़कर के एक गंभीर बातें हैं। आप लोग कल्पना कीजिए कि दलितों के उत्थान के लिए देश भर में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए डिपार्टमेंट चलते, उसके माध्यम से उनको सशक्त बनाने का, उनको विकसित करने का प्रयास होता है। वेस्ट बंगाल को छोड़ करके बाकी देश के प्रत्येक हिस्से में, प्रत्येक राज्य में
अनुसूचित जाति और जनजाति के विभाग है। दिस इज रियलिटी। लेकिन ये दुर्भाग्य का विषय है कि आजादी के बाद और आज के डेट तक वेस्ट बंगाल में अनुसूचित जाति और जनजाति का विभाग नहीं बना। ओबीसी विभाग के तहत इनको डील किया जाता है। वामपंथी शासन कर रहे थे तो समझ में आता था कि वो वर्गवादी राजनीति करते हैं, पर तृणमूल कांग्रेस के लोगों के शासन में लंबे समय के शासन काल में अभी तक अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए अलग से विभाग न बनना यह दुर्भाग्य है। करोड़ों दलितों के साथ ये धोखा है, ये अपराध है जो तृणमूल सरकार कर रही है। हमें पूरा विश्वास है कि आपके माध्यम से हमारी ये बात न केवल सरकार को बल्कि वेस्ट बंगाल की जनता को भी यहां भी पहुंचेगी और आने वाले समय में वो अपने चौखट पर तृणमूल पार्टी को उसका जवाब दे। मित्रों, एक और समस्या इस प्रदेश में जन्म ले रही है, गंभीर समस्या, वो समस्या है मुस्लिम दलित गठजोड़ की समस्या। हम इसे एकता नहीं कहते, इसे हम पैक्ट कहते हैं, गठजोड़ कहते हैं। एकता तो बहुत अच्छी बात है, हम तो चाहते हैं सबका साथ सबका विकास और पूरे देश में एकता कायम हो, 125 करोड़ लोग एक होकर के देश की समृद्धि के लिए, विकास के लिए और अपने ही भाई बंधु जो दयनीय हालत में जी रहे हैं उनके कुशल क्षेम के लिए काम करें, हम भी ये चाहते। पर गठजोड़ का तात्पर्य होता है सत्ता की भूख मिटाने के लिए पैक्ट करना, जोड़ तोड़, सत्ता को छीनने के लिए ये राजनीतिक गठजोड़ हो रहा है। और भारत का ये इतिहास रहा है कि जब जब इस तरह का गठजोड़ हुआ देश ने खोया, और उसका सबसे बड़ा उदाहरण तो यही बंगाल की ही धरती रही। मैं इतिहास में ले जाना चाहूंगा एक सेकंड के लिए, आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही जिन्ना अलग राज देश की मांग कर रहे कोई सहमत नहीं था, लेकिन जिन्ना सफल हुए दलित मुस्लिम गठजोड़ बनाने में। और इसी बंगाल की धरती के एक दलित नेता योगेंद्रनाथ मंडल को अपना शिकार बनाया और उनके साथ मिल करके देश का बंटवारा किया, जहां एक तरफ धर्म पर आधारित देश के निर्माण की बात हुई वहीं 40% दलित आबादी के साथ जनसंख्या के साथ योगेंद्रनाथ मंडल जो उस समय के सशक्त दलित नेता हुआ करते, जैसे भारत के संविधान का ये रचना डॉक्टर अंबेडकर ने किया और भारत के प्रथम कानून मंत्री डॉक्टर अंबेडकर बने, उसी प्रकार योगेंद्रनाथ मंडल पाकिस्तान के प्रथम कानून मंत्री बने और वहां के ड्राफ्टिंग कमेटी तो संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसके चेयरमैन भी मंडल। यानी इस प्रकार के सशक्त नेता को जब दलित मुस्लिम गठजोड़ के माध्यम से मिलाया गया, डॉक्टर हालांकि डॉक्टर अंबेडकर ने इसका प्रतिकार किया
उन्होंने कहा कि मंडल जी ये गलत कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। बावजूद भी उन्होंने किया और परिणाम ये हुआ कि जो हमारा पूर्वी बंगाल था वो पाकिस्तान के रूप में कन्वर्ट। 40% वहां पर हिंदू आबादी आज 8% में सिमट करके रह गई। और स्वयं इस गठबंधन का परिणाम जो गिरनाथ मंडल को भी झेलना पड़ा, 1950 में वो पाकिस्तान को छोड़ करके तत्कालीन पाकिस्तान को आज बांग्लादेश भारत भाग आए और इसी बंगाल के राज्य के बनगांव में उनका परिवार आज भी रहता है। और 5 नवंबर 1968 को यानी भाग करके वहां आने के 18 साल बाद उनका देहांत हुआ और ये देश में किसी को पता भी नहीं चला कि इतने सीनियर कोई दलित नेता भी है। तो गठबंधन का से सत्ता तो प्राप्त की जा सकती है, एक पाकिस्तान तो बनाया जा सकता है, पर उस सत्ता की प्राप्ति का नतीजा दलितों ने देखा था। तो आज 40% से बांग्लादेश में और पाकिस्तान में पाकिस्तान में 1.5% पर आ गए और बांग्लादेश में 8.5%। मैं नहीं चाहता किस तरह का गठबंधन हो, हम चाहते हैं एकता हो, पर असहभागिता का ये खेल बंद हो। ये बिल्कुल केवल सत्ता की भूख मिटाने के लिए टेक्निक है। इस टेक्निक को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हम रिजेक्ट करते हैं और हम मांग करते हैं कि आज इस प्रदेश में जो जंगल राज है, इस जंगल राज में जो हजारों हजार दलितों की हत्या हो रही है और उनको उनका उत्पीड़न हो रहा है, उनके घरों को ध्वस्त कर दिया जा रहा है, जला दिया जा रहा है, फोर्सफुली उन पर दबाव डाल करके तृणमूल कांग्रेस में उनको घुटने टेकने के लिए मजबूर किया जा रहा है, इस जंगल राज को ध्यान में रखते हुए हम मांग करते हैं कि यहाँ पर राष्ट्रीय शासन लागू किया जाए और तृणमूल सरकार को बर्खास्त किया जाए। ममता जी को अब यहाँ पर शासन करने का अधिकार नहीं है क्योंकि वो दलितों की रक्षा नहीं कर पाई। रक्षा की बात को उनके साथ न्याय करने के लिए जो तमाम हत्याएं हुई उनके जांच का कार्रवाई भी पूरा नहीं होने दी, कार्रवाई भी प्रारंभ नहीं कर, इसलिए उनको इस प्रदेश में एक लोकतांत्रिक ढांचे में सरकार चलाने का हक नहीं। उनको न्याय करना चाहिए था जो वो चूक गई, नहीं करना, दलितों के साथ न्याय नहीं। और हम यह भी मांग करते हैं कि भारत सरकार इस मामले में हस्तक्षेप करे और वेस्ट बंगाल में अनुसूचित जाति का और अनुसूचित जनजाति का जैसे अन्य प्रदेशों में विभाग बना करके उनके उत्थान का कार्य हो रहा है वैसा प्रारंभ करे। इसके साथ मैं चाहूंगा कि इस विषय से संबंधित अगर कोई प्रश्न आप चाहें। दलितों की अवस्था यहाँ पे अच्छी नहीं है, लेकिन आप इसके बारे में क्या कहेंगे? सारे देश भर में जो दलितों के शिक्षित हो रहे हैं उसके बारे में आप क्या कहेंगे? वो तो बीजेपी शासित राज्य में हो रहा है। मैंने कहा कि मैं अभी यहाँ पर वेस्ट बंगाल में जो दलितों की हालत है उस पर मैं चर्चा कर रहा हूँ, बाकी अन्य जगहों के विषय पर जब बातें होंगी तो किया जाएगा। भोपाल, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात सिर्फ जून महीने में तो कितने सारे मैं सिर्फ वेस्ट बंगाल में जो आज जंगल राज है। अच्छा। जो दलितों का उत्पीड़न हो रहा है, जो हजारों हजार घर जलाए गए हैं, जहां हत्या के बावजूद नामजद रिपोर्ट के बावजूद अभी तक एक भी दोषी नहीं पकड़े गए हैं, मैं उस मुद्दे पर आप लोगों से बात करूंगा।
And there is a case of rape against a Dalit woman in every 6 minutes. Really, six Dalits in every day. Six Dalits in every day. Six Dalits are raped. आज वेस्ट बंगाल के जो हालात है, जिस तरह से यहाँ पर हत्या करके उसको हैंग कर दिया जाता है और पीछे पोस्टर लगाया जाता है, मैं ऐसी हालात पर यहाँ बात कर रहा हूँ। ये बहुत गंभीर मुद्दे पर, वो गंभीर नहीं है, वो बहुत गंभीर मुद्दे हैं। पर यहाँ जो हुआ है एक लोकतंत्र के लिए कलंक है। दूसरे स्टेट में जो है वो गंभीर मुद्दे मैं यहाँ दूसरे स्टेट के कंपेयर के लिए नहीं बैठा। एक बात बताइए, आपने तो यहाँ पे राष्ट्रपति शासन की मांग की है, दलितों की अवस्था अच्छी नहीं है, तो दूसरे राज्यों में राष्ट्रपति अगर वहाँ पर भी ऐसी स्थिति होगी, लाइन ऑर्डर की ऐसी समस्या होगी, तो मैं वहाँ पर चाहे मेरी ही सरकार क्यों है, मैं वहाँ भी मांग करूँगा। सर, गाय बकरी चराने के लिए मार दिया गया, पानी भरने के लिए मार दिया गया, पैरों के ऊपर पैर करके बैठा हुआ तो मार दिया गया, बाइक चलाने के लिए मार दिया गया, बाल काटने के लिए मार दिया गया है। मैं आपको बता रहा हूँ कि ये सारी चीजें जो दलितों पर अत्याचार होता है, ये स्टेट का लॉ एंड ऑर्डर का विषय होता है। इनफैक्ट आप मेरी बात को नहीं कर रहे हैं, हम आपसे डिबेट नहीं कर सकते हैं, लेकिन मैं अपनी बातें रखने यहाँ आया हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे उदाहरण के लिए गुजरात में एक घटना होना में हुआ, विद इन 24 आवर्स जितने भी दोषी थे सबको अरेस्ट किया गया था और जेल में ठूस दिया गया था। आप ऐसा नहीं कर सकते। राजस्थान में हुई थी घटना, राजस्थान एक आप मैं बात कर रहा हूँ, आप ही की बात, मैं हमें इस सब्जेक्ट पर नहीं जाना चाहता था, लेकिन आप लोग मैं समझ रहा हूँ पत्रकार हैं, कहीं ना कहीं हमको पेश कर ले जाना चाहेंगे, फिर भी मैं आपको आपकी जानकारी के लिए राजस्थान में भी एक घटना हुआ था, तत्काल हमारी सरकार ने कार्रवाई किया, दोषियों को जेल भेजा। यहाँ तो 12 नामजद हत्याएं हुई है, 12 लोगों को नामजद किया गया हत्या में, लेकिन उनमें आज तक एक को भी गिरफ्तार नहीं किया गया। ये कैसी सरकार है? हम इस सरकार की बात कर भगवान के लिए आप लोकतंत्र के इस खेल को, इसको खेल ना बनाने दें, ये गंभीर विषय है। 12 लोगों को नामजद हत्या की गई है और एक भी दोषी आज तक नहीं गिरफ्तार हुआ है। सर, आपने जब बोला ठीक है, अब बस ये आपका ही क्वेश्चन कर सकते हैं। आप बताइए, ये रांची में विश्वनी अथॉरिटी के जो गिरफ्तारियां हुई है, ये भी एक खासा इलाका आता है, आदिवासी इलाका आता है और मतलब गरीब तबके का इलाका आता है, आरोप है उन लोगों पर कि बच्चों को बेचा जा रहा था, इस पर आप मिशनरी का चैरिटी में जो इल्जाम लगा है। देखिए, इस संदर्भ में मेरी अभी कोई बहुत अथेंटिक जानकारी ओके, इसमें ममता बनर्जी का एक ट्वीट आया जहां पे उन्होंने इसकी पूरी जो घटना हुई है इसका विवरण दिया। अब वो ममता जी तो बहुत सारी चीजें कहती हैं और वो क्या क्या कहती है पूरा देश देखता है, मैं उस पर तो नहीं कहना चाहूंगा, लेकिन हकीकत तो ये है कि जिन मैं 2-4-5 जो जगह का नाम बता सका हूँ, सारी घटनाएं सारी जगह का तो मुझे जानकारी भी नहीं और बहुत सारे मैं यहाँ बदला भी नहीं सकता, लेकिन हर एक जगह पर जो हत्याएं हुई है उनका ममता जी अब मजाक न उड़ाए तो अच्छा है, नहीं तो दलित समाज उनको अच्छे ढंग से जवाब दे। ओके, थैंक यू वेरी मच।